हेलो एवरी वन एंड सेकंड पार्ट ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग पार्ट टू एंड कलेक्टिव बारगेनिंग के अंदर हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग ठीक है तो थ्योरीज हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है चार इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे किसने दी है क्या है थ्योरी के अंदर बेसिकली वो uh, सब यहाँ पर डिस्कस uh, करना है ऑल राइट सो थ्योरीज ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग शुरू करने से पहले दोस्तों दीज आर सम ऑफ द ऑफरिंग्स। तो इसके अंदर ना देखो दोस्तों की इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप बेसिकली आपका एमसीक्यू कोर्स है और काफी लो प्राइसेस के अंदर ये कोर्स है कंप्लीटली रिवाइज ये कोर्स है सारे क्वेश्चन uh, को एक बार रिमूव करके दोबारा से अपडेट किया गया है ठीक है कंप्लीटली रिवाइज क्वेश्चन हैं, न्यू क्वेश्चन हैं नए कोड पुराने एक्ट सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हो तो गैप इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल सिक्योरिटी के इंडिविजुअल कोर्सेज भी ले सकते हो बहुत लो प्राइसेस के अंदर ये कोर्सेज आपको मिलते हैं ठीक है तो अगर आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स देखते हो इसका प्राइस अभी छह सौ रुपए है लेकिन अभी फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है जिसके ऊपर अगर आप यूपीएससी कोड यूज करते हो तो आपको फिफ्टी परसेंट फर्दर ऑफ मिल जाता है हर कोर्स के अंदर आपको फिफ्टी परसेंट ऑफ मिलता है एंड पीडीएफ फाइल्स का तो आप जानते ही हो जितने भी यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स हैं ये पीडीएफ फाइल्स आप नाइनटी नाइन रुपीज में ले सकते हैं नाइनटी नाइन रुपीज इज टू यू नो सीरियसनेस को एक करने के लिए क्योंकि फ्री पीडीएफ्स इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा अवेलेबल है करने को मैं फ्री कर सकता हूं बट उसके अंदर एक सीरियसनेस नहीं आती जिस चीज के लिए आपने पे किया होता है ना थोड़ा सा उसके लिए आप पढ़ने के लिए थोड़े से आपको लगता है कि हाँ यार ये पढ़ना है मेरे को ठीक है और अगर आप ये कॉम्बो कोर्स लेते हो ना तो आपको पीडीएफ फाइल्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है कॉम्बो कोर्स के अंदर पीडीएफ फाइल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आप ये लगा लो ये सौ रुपए इसी के अंदर आपके कवर हो जाएंगे ठीक है तो हंड्रेड रुपीज बच जाते हैं आपके आपको अलग से पीडीएफ फाइल्स नहीं लेनी पड़ेंगी और राइट तीन सौ रुपए में आफ्टर यूजिंग डिस्काउंट आपको ये पड़ता है एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स ओके सो लेटर्स क्विकली स्टार्ट विद द थ्योरीज नाउ तो थ्योरीज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर दोस्तों चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज है एक है आपकी वॉल्टन एंड मेकरस थ्योरी फिर है बार्गेनिंग रेंज थ्योरी चैम्बरलिन मॉडल एंड देन हिक्स बार्गेनिंग मॉडल तो हर मॉडल के अंदर या हर थ्योरी के अंदर समझेंगे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है चारों आप याद रखेंगे कि, कि किसने क्या थ्योरी दी है ओके पहली थ्योरी पे आ जाएंगे वॉल्टन एंड मेकर थ्योरी के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी थी अब बिहेवियर थ्योरी ऑफ लेबर इंटर नेगोसिएशन उसके अंदर बेसिकली ये थ्योरी को हाईलाइट किया गया था कई बार वो किताब का नाम भी पूछ लेता है कि किसने ये किताब लिखी है बिहेवियल थ्योरी ऑफ लेबर नेगोशिएशन क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें से ये थ्योरी निकल करके आई है तो ये भी याद रखेंगे कि बुक किसने दी है ओके okay. तो जो ये वॉल्टन एंड मगर्जी का कलेक्टिव बार्गेनिंग का थ्योरी है ना इन्होंने क्या बोला कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर चार प्रोसेस है चार सब प्रोसेस है कलेक्टिव बारगेनिंग अपने आप में एक प्रोसेस है इंडस्ट्रियल पीस का तो इस प्रोसेस के अंदर चार सब प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग फिर आ जाता है इंटीग्रेटिव एटीट्यूडिनल स्ट्रक्चर और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनलिंग अब डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग को हमने पार्ट वन के अंदर भी समझा था जहां पर हमने टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग देखा था ठीक है सो ये वही चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बारगेनिंग वही कंसेप्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग दोस्तों क्या हो गया जहां पर यूनियन और मैनेजमेंट के गोल्स जो है वो कन्फ्लिक्ट में है यूनियन और मैनेजमेंट के गोल्स कन्फ्लिक्ट अगर, मतलब अगर एक की डिमांड पूरी होती है अगर एक पार्टी गेन करती है तो दूसरी पार्टी लॉस करेगी इसका हमने एग्जाम्पल क्या लिया था डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का जैसे वेजेस ठीक है वेजेस की अगर डिमांड है अगर लेबर की डिमांड वेजेस की फुलफिल होती है ठीक है तो उससे क्या होगा उससे जो इंप्लॉयर है उसको कहीं ना कहीं लॉस होगा उसको ज्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी और अगर वेजेस की डिमांड रिजेक्ट हो जाती है तो किसको लॉस होगा आपके वर्कर्स को तो एक पार्टी को लॉस होगा एक पार्टी को गेन होगा कंप्लीट कन्फ्लिक्ट में है क्योंकि इनकी डिमांड्स तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग कहां पर हो गया जहां पर कंफ्लिक्ट में ना हो जहां पर आप जो है दोनों पार्टीज जो है वो गेन करेंगी इसके अंदर हमने किसका एग्जाम्पल देखा था प्रोडक्टिविटी के केस में ठीक है जहां पर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है जहां पर यह बात हो रही है कि जी एक तरफ डिमांड हो रही है कि प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए ठीक है तो इंप्लॉयर के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज हो और उसकी जगह वर्कर्स की कोई एक डिमांड इंप्लॉयर पूरी कर देगा जैसे वेज इंक्रीज या फिर आपका बेटर वर्किंग कंडीशन तो उसमें दोनों को गेन हो रहा है ठीक है तो वो इंटीग्रेटिव बारगेनिंग गई तो डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बारगेनिंग दोनों तो चलेंगे ही साथ ही साथ में वॉल्टन क्या बोलते हैं कि एटीट्यूडिनल स्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है एटीट्यूडिनल स्ट्रक्चरिंग वो है जहां पर जो बार्गेनिंग पार्टीज हैं वो आपस में एक साथ बैठे फ्रेंडलीनेस के साथ बैठे एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट डेवलप करें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और कॉपरेशन का एटीट्यूड यानी कि एटीट्यूडिनल स्ट्रक्चरिंग के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के डेवलपमेंट की यहां पर बात हो रही है ओके okay? और फाइनल इसके अंदर जो प्रोसेस आ जाता है दैट इज इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग इसके अंदर बेसिकली क्या बात हो रही है कि जो यूनियन है जो ट्रेड यूनियंस है और जो मैनेजमेंट है उनके अंदर इंटरक्शन होना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है आपस में एक दूसरे के बीच में बातें होना बहुत जरूरी है एंड दिस इज नॉट ओनली कि आप जब कोई डिमांड रेज हो रही है जब कोई इश्यू आ रहा है तभी आप आ, वो इंटरेक्शन क्रिएट कर रहे हो टाइम टू टाइम इंटरेक्शन जो है वो होनी चाहिए और ये चारों सब प्रोसेसेस को जब आप प्रॉपरली अडेप्ट कर पाओगे तो उससे कलेक्टिव नेगोशिएशंस का जो अल्टीमेट एम है कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए यूनियन और मैनेजमेंट के अंदर एक पीसफुल रिलेशनशिप बने दैट विल बी Possible. तो बेसिकली और की और इंटीग्रेटिव बारगेनिंग होगी डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एटीट्यूडिनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फ्रेंडलीनेस डेवलप हो एंड इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन बार्गेनिंग टाइम टू टाइम आपको करना पड़ेगा ताकि यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में एक रेगुलर इंटर एक्शन बिल्डअप हो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आ जाती है बारगेनिंग रेंज थ्योरी बड़ी अच्छी थ्योरी है बड़ा अच्छा कंसेप्ट है तो बार्गेनिंग रेंज थ्योरी दी है एसी पिगो ने तो बेसिकली बारगेनिंग रेंज थ्योरी में क्या बोलते हैं कि देखो जी लेबर की क्या डिमांड है कि वेज इंक्रीज करो ठीक है और इम्प्लॉयर क्या कहेगा कि वेज जितनी है उतनी बढ़िया है ठीक है जितनी है उतनी अच्छी है या और कम कर दो इम्प्लॉयर तो ये कहेगा तो पिगो क्या कहते हैं कि जब आप कलेक्टिव बारगेनिंग के लिए टेबल के ऊपर बैठ रहे हो ठीक है जहां पर इंप्लॉयर बोलेगा वेज इज गुड इंप्लॉय बोलेगा वेज इज लेस तो वहां पर आप एक रेंज सेट करोगे ठीक है एक अपर और लोअर रेंज सेट कर दोगे ठीक है अपर लिमिट कौन सी होगी जो यूनियन की एक तरीके से डिमांड होगी जो लेबर की डिमांड होगी कि जी इतनी वेज होनी चाहिए वो अपर लिमिट होगी ठीक है और लोअर लिमिट क्या होगी लोअर लिमिट होगी जो इंप्लॉयर को लगेगा कि जी ये आइडियल वेज है तो ये अपर लिमिट होगी जो हाइयर एंड पे है और एक लोअर लिमिट होगी जो लोअर एंड पे है अपर लिमिट जो यूनियन की डिमांड है लोअर लिमिट जो इंप्लॉयर ने मंजूर की है तो अब एक रेंज आ गई अपने पास फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यूनियन कहती है कि दस हजार रुपए महीना होना चाहिए और ये यूनियन कह रही है और एम्प्लॉयर कह रहा है कि पांच हजार महीना होना चाहिए ठीक है तो ये क्या हो गई ये अपर लिमिट हो गई ये लोअर लिमिट हो गई तो अब जब ये टेबल पे बैठे हैं तो इनको पता है कि नेगोशिएशन जब होना है वो इस रेंज के बीच में होगी वो पांच हजार से ऊपर रहेगी दस हजार से नीचे रहेगी ताकि यूनियन और इंप्लॉयर दोनों को ऐसा लगे दैट देयर डिमांड हैज बीन एक्सेप्टेड अब बेसिकली बोल रहे हैं कि अब अगर सीधा दस हजार की मांग, मांग के ऊपर यूनियन अड़ जाए कि हम तो दस हजार से एक रुपया भी कम नहीं करेंगे ठीक है तो उस केस में तो फिर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला तो गेम ही खत्म हो गया ना क्योंकि वो तो इंप्लॉयर की सुनी नहीं रहे इंप्लॉयर की अपनी हो सकते हैं दस की वेज ना करने के सिमिलरली कि नहीं मैं तो पांच हजार से एक रुपया नहीं बढ़ाऊंगा तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्कोप नहीं है तो यहां पर ये अपर और लोअर लिमिट से एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्कोप जो है वो क्रिएट हो गया एंड फाइनली जब कलेक्टिव बारगेनिंग के थ्रू वेजेस सेट होंगी वो इसी रेंज के अंदर सेट होगी अब वो कितना दस हजार के क्लोज है या कितना पांच हजार के क्लोज है वो डिपेंड करेगा बार्गेनिंग स्किल्स पे अगर यूनियन के बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो दैट विल बी मोर क्लोज टू दिस नंबर अगर इंप्लॉयर के बार्गेनिंग क्लोज स्किल्स अच्छे हैं तो दैट विल बी क्लोजर टू फाइव थाउजेंड ठीक है तो बार्गेनिंग रेंज थ्योरी में एक रेंज सेट कर ली अपर लिमिट और लोअर लिमिट नेक्स्ट आ जाता है जी चैम्बरलिन मॉडल ध्यान से समझेंगे इसको तो चैंबरलिंग मॉडल के अंदर भी कहीं ना कहीं एबिलिटी की बात हो रही है कि आप अपने ओपोनेंट की टर्म्स को मानते हुए भी कैसे अपनी टर्म्स को एक्सेप्ट मनवा पा रहे हो ठीक है आप दूसरे की बात मान रहे हो देखो स्किल यही होता है एक होता है लड़ झगड़ के आप तो सिर्फ अपनी बात पे खड़े हुए हो ठीक है लेकिन बिजनेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या करना होता है आपको यह पता होना चाहिए कि कहां तक आपको अपनी बात मनवानी है और कहां पर आपको दूसरे की बात माननी है और दूसरे की बात मानने में भी अल्टीमेटली आपका ही फायदा है ठीक है अब इसके अंदर क्या हो यूनियन टर्म्स और डिमांड्स की मैनेजमेंट कि कितनी विलिंग है कि वो अपनी यूनियन की टर्म्स मान ले या डिमांड्स मान ले या वर्कर्स कितने विलिंग है कि अपनी इंप्लॉयर uh, की डिमांड्स मान ले अब ये कैसे होगा विलिंगनेस कैसे पता चलेगी कि हम कितने विलिंग है या मैनेजमेंट कितनी विलिंग है यूनियन की टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए या यूनियन कितनी विलिंग है मैनेजमेंट की टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए चैम्बर के अंदर क्या बोलता है ये डिपेंड करेगा कि अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो वो कितना ज्यादा महंगा पड़ेगा अगर आप एग्री कर जाते हो उससे इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल जो वर्कर है जो वर्कर की यूनियन है वो क्या बोलती है कि हमारी वेजेस इंक्रीज करो ठीक है Our wages. और उस इंक्रीजेक्टल वेजेस का जो खर्चा है क्योंकि उसको सारे वर्कर्स की सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी तो पचास हजार रुपए उसको महीने में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मैं एक रेंडम एग्जाम्पल ले रहा हूं ठीक है तो वर्कर कहते हैं वेज इंक्रीज करो अगर तुम हमारी वेज इंक्रीज नहीं करोगे तो हम जा रहे हैं स्ट्राइक पर ठीक है जी हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे और स्ट्राइक पे अगर वो चले गए यानी कि प्रोडक्शन उन्होंने नहीं की तो फॉर एग्जाम्पल एक, एक दिन की स्ट्राइक अगर होती है तो उससे इंप्लॉयर को नुकसान हुआ दस हजार रुपए का और उन्होंने कहा कि हम तो जी पांच दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं या छह दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं ठीक है छह दिन की स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो टोटल साठ हजार रुपए का इंप्लॉयर को नुकसान हो गया अब इंप्लॉयर देखेगा कि यार मैंने अगर इनकी डिमांड मान ली तो मेरे को पचास हजार रुपये एक्स्ट्रा वेजेस देनी पड़ेंगी लेकिन अगर ये हर महीने छह दिन की स्ट्राइक पे जाएंगे जब तक इनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी तो हर महीने का मेरे को साठ हजार रुपए का नुकसान होगा तो यहां पर इंप्लॉयर uh, क्या बोलेगा कि अगर मैं इनकी डिमांड के साथ डिस करता हूं तो मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा ठीक है एग्री कर लूंगा तो पचास देने पड़ेंगे डिस करूंगा तो साठ रुपए देने पड़ेंगे तो इसी के बेसिस के ऊपर इंप्लॉयर अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि उसको डिमांड को एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करना है, देख रहा है वो बेसिकली आप क्या देख रहे हो डिस दोनों को कंपेयर करोगे जो कॉस्ट आपको कम लगेगी उस कॉस्ट के हिसाब से आप अपना डिसीजन लोगे सो इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज मोर कॉस्टली टू एग्री देन टू डिसके जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया ना भाई एग्री करने में ज्यादा कॉस्टली है डिसग्री करने से तो उसको क्या बोलेंगे बार्गेनिंग पावर इज लेस देन वन अगर कॉस्ट ऑफ एग्री बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक पर जाने की धमकी दे रहे हैंजमेंट को दस हजार रुपए का नुकसान हो रहा है हर महीने ठीक है लेकिन उनकी डिमांड मानने से पचास हजार रुपए का नुकसान हो, आ, हो जाएगा हर महीने का ठीक है तो उस केस में यूनियन की बार्गेनिंग पावर क्या होगी लेस देन वन क्योंकि एग्रीमेंट की कॉस्ट जो है वो है तो यूनियन जब भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी ना स्ट्राइक से या किसी और मेजर से तो वो ये कोशिश करेगी कि यूनियन की जो बार्गेनिंग पावर है वो हमेशा एक से ज्यादा हो यानी कि इंप्लॉयर को ऐसा लगे कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मेरे को ज्यादा महंगा पड़ेगा तभी वो उनकी बात मानेगा ठीक है वो ये बेसिकली एक आइडिया यहां से आप निकाल सकते हो तो यहां पर जहां पर कॉस्ट ऑफ एग्रींग एम्प्लॉयर के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डिसंग उसके यूनियन की बार्गेनिंग पावर लेस देन वन है तो इंप्लॉयर या मैनेजमेंट जो है वो डिसएग्री कर जाएगी सिमिलरली अगर कॉस्ट ऑफ एग्री जो कॉस्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट है वो ज्यादा है ठीक है डिसएग्री करने से ज्यादा नुकसान हो जाएगा तो उस केस में यूनियन की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है ग्रेटर देन वन है और मैनेजमेंट एग्री कर जाएगी ठीक है सेम कंसेप्ट चलेगा लेबर की विलिंगनेस और अनविलिंगनेस पे भी लेबर भी जब आ, आ, देखेगी वो यही कंसीडर करेगी कि अगर हम इंप्लॉयर की डिमांड को मान लेते हैं तो वो डिमांड मानना हमें ज्यादा महंगा पड़ेगा या ना मानना हमें ज्यादा महंगा पड़ेगा एंड उसी के हिसाब से दे विल एग्री सो दिस इज ऑल अबाउट योर चेंबरलेन मॉडल जहां पर आप कॉस्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट देखते हो इन सिंपल टर्म्स फाइनली लास्ट में आ जाता है आपका हिक्स बारगेनिंग मॉडल अब ये हिक्स बार्गेनिंग मॉडल क्या है हिक्स बार्गेनिंग मॉडल कहता है कि जब भी आप टेबल पे बैठ रहे हो ना बार्गेनिंग मॉडल बार्गेनिंग करने के लिए बैठ रहे हो तो लेंथ एंड कॉस्ट ऑफ वर्क स्टॉपेजेस देखा जाएगा ठीक है तो बेसिकली जब यूनियन और मैनेजमेंट नेगोशिएटर्स टेबल के ऊपर बैठेंगे तो वो देखेंगे कि जी जितनी देर काम रुकेगा स्ट्राइक होगी ठीक है स्ट्राइक होगी उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या हैं ठीक है कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या हैं और उसके हिसाब से ही हर साइड कंसेशन देगी ताकि वर्कस्टॉप पेज को रोका जाए तो एक तरीके से यहां पर ये एस्टिमेट लगा लिया जाएगा कि अगर काम रुकता है अगर स्ट्राइक होती है उससे क्या नुकसान हो रहा है ठीक है अब बेसिकली इसके अंदर है क्या देखो रिलेशन क्या wage, है बिटवीन द वेज दैट वन और द अदर पार्टी विल एक्सेप्ट एंड द लेंथ ऑफ स्ट्राइक दैट वुड बी नेसेसरी टू एस्टैब्लिश दैट वेज ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहां पर इंप्लॉई और इंप्लायर के बीच में लड़ाई है सौ रुपए की डिमांड है तो इस सौ रुपए की डिमांड को बढ़ाने के लिए नेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने के लिए एस्टिमेटली इतने डेज की स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल एक्स डेज की स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा और एक्स डेज की स्ट्राइक पे अगर जाएंगे तो इतने का नुकसान होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल अस्सी रुपए का नुकसान होगा ठीक है जी? तो अब 100 की वेज को बचाने के लिए पे स्ट्राइक पे जा, सब कुछ एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं ठीक है एक्सडे स्ट्राइक पे जाएंगे अस्सी रुपए का नुकसान होगा तो अल्टीमेटली अब यहां पर यह पता चल गया कि अस्सी रुपए का खर्चा आ जाएगा अगर स्ट्राइक हो गई तो और इसी खर्चे को बचाने के लिए इसी खर्चे को रोकने के लिए अब इंप्लॉयर और इंप्लॉई एक टेबल पे बैठेंगे और बारगेन करेंगे कि हां जी कैसे इस स्ट्राइक को रोका जाए अब आप कहोगे कि सर ये तो एक तरीके से बारगेनिंग रेंज थ्योरी हो गया देखो बारगेनिंग रेंज थ्योरी में स्ट्राइक की बात नहीं थी बारगेनिंग रेंज थ्योरी में हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर लिया था यहां पर हमने कॉस्ट निकाल लिया कि अगर काम रुकता है अगर वर्क स्टॉपेज होता है तो कितना खर्चा आएगा ठीक है क्या कॉस्ट पड़ जाएगी कितने का नुकसान हो जाएगा वर्कर को भी तो नुकसान होगा तो तो कि हो और मेरे को अगर सैलरी ना मिली ठीक है जितनी सैलरी बढ़ेगी और जितनी मेरी सैलरी कटेगी उसके बीच में वो रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा तो हिक्स मॉडल जो है वो यही काम करता है ठीक है वो एक प्रॉपर एक कॉस्ट निकाल लेगा और उसके हिसाब से फिर नेगोशिएशन होगा ताकि उस कॉस्ट को अवॉइड किया जा सके और दोनों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके ओके okay. अब एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा पहले ये आपकी चारों थ्योरीज हो गई हैं क्वेश्चन ये रहा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच कलेक्टिव बारगेनिंग मॉडल फोकसेज ऑन लेंथ एंड कॉस्ट ऑफ वर्क स्टॉपेजेस तो आंसर अभी क्वेश्चन देखा तो इजी लग रहा होगा लेकिन पेपर के अंदर आ जाए तो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है अगर पढ़ी ना हुई हो कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरीज तो आंसर यहां पर क्या होगा ऑप्शन डी फिक्स बार्गेनिंग मॉडल ओके सो दिस इज इट गाइड फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपने एमसीक्यू कोर्स का कॉम्बो लिया हुआ है तो पीडीएफ उसमें ऑटोमेटिकली एडिड है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ठीक है एंड बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा रेगुलरली और ज्यादा रेगुलरली वीडियोज डालो दोस्तों इसके अंदर आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है टू बी यू नो गिविंग माई हंड्रेड परसेंट टू दिस चैनल एंड गिविंग माई हंड्रेड परसेंट टू बिल्डिंग एजुकेशन इन इंडिया आई नीड समोर्स एंड रिसोर्सेस तभी आते हैं जब आप इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करोगे ओके द मोर यू हेल्प मी ग्रो दिस चैनल द मोर वी विल बी यू नो वर्किंग फॉर इट मैं कभी भी क्लेम नहीं करता कि मैं फ्री एजुकेशन के लिए काम करता हूँ नो आई डो नॉट वर्क फॉर फ्री एजुकेशन ठीक है फ्री कुछ नहीं होता बेटा दुनिया के अंदर और ना ही मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं बट एफोर्डेबिलिटी इज वन ग्रेट थिंग दैट हैज टू बी वर्क फॉर और एफोर्डेबिलिटी की भी बात नहीं होती सिर्फ आज की डेट में बच्चा ऊपर नीचे होकर के जैसे मर्जी अपनी पढ़ाई वो अच्छे से करना चाहता है ठीक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो या तो फ्री का लालच देते हैं या ये बोलते हैं हमारी चीज जो है वो बहुत ज्यादा एफोर्डेबल है ये अच्छी चीज है फ्री में भी आपको चीजें देनी चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए बट क्वालिटी का क्या ये तो सबसे ज्यादा मारी जा रही है आज की डेट में तो इसके ऊपर जो है हमें फोकस करना है ना और इसके ऊपर फोकस करने के लिए हमेशा याद रखना रिसोर्सेस चाहिए होते हैं ठीक है कभी भी क्वालिटी बिना रिसोर्सेस के बिल्डअप होती ही नहीं और सो ठीक है गाइस नेक्स्ट क्लास एंड टेक केयर एंड बाय